वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे क्रमचय संचय का पार्ट टू। देखो, पार्ट वन में हमने बेसिक डिस्कस किया था, इसमें हम करेंगे क्रमचय क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्या बोल रहे, देखो, शब्द कॉफी के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित करें कि सभी स्वर जो है एक साथ रहें। ठीक है, मतलब ऐसा व्यवस्थित करना है कि सभी स्वर, मतलब आपका वॉवेल, ठीक है, स्वर व्यंजन वाला जो स्वर होता है वो स्वर। ठीक है, तो स्वर यहाँ पे क्या है, देखो स्वर होता क्या क्या है, आप AEIOU, ठीक है, AEIOU, ठीक है, पांच स्वर होते हैं। ठीक है, पांच स्वर होते हैं, तो देखो पांच स्वर, लेकिन अपने पास कॉफी है, तो कॉफी में कितने स्वर है चेक कर लेते। ठीक है, कॉफी में कितने स्वर है, COFFE। ठीक है, कॉफी में स्वर कितने हैं आपका, एक दो तीन, ठीक है, तीन स्वर है, तो तीनों को क्या है एक साथ अरेंज करना है, मतलब CFF और OEE। ठीक है, मतलब तीनों को हम एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, एक ही वर्ड, मतलब एक ही लेटर मानेंगे। ठीक है, अभी मतलब जो सबसे पहले जमाएंगे ना, तो एक ही लेटर मान के जमाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हम अगर जैसे कि कोई भी शब्द को जमाते हैं, ठीक है, तो जितने आपके पास रहते हैं अक्षर उसका फैक्टोरियल करते हैं। जैसे कॉफी, देखो एक दो तीन चार पाँच है, कॉफी वाले कराया था कब, छह है, तो आप क्या करते थे यहाँ पे, छह का फैक्टोरियल कर देते थे। ठीक है, छह का फैक्टोरियल करते थे कि नहीं करते थे, कॉफी के कितने जमाया जा सकता है। ठीक है, कॉफी को कितने प्रकार से जमाया जा सकता है, तो छह देखते थे तो छह कर देते थे, और क्या करते थे, भाग देते थे। भाग किसका देते थे, जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि एफ क्या है, दो बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, दो बार रिपीट हो रहा है, और ई क्या है, दो बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको क्या करते थे, आप भाग देते थे, किससे, दो से, ठीक है, और दो से। ठीक है, जितने जितना आपको रहता था उसमें फैक्टोरियल लगाते थे, और जितना आपका, ठीक है, मतलब दूसरा वर्ड जो रिपीट हो रहा है उसका भी फैक्टोरियल करते थे। ठीक है, तीसरा वर्ड भी रिपीट करता था, तीसरा उसका भी फैक्टोरियल करके भाग देते। ठीक है, क्योंकि भाई ये गुणा से बना है, इसलिए इसको माइनस नहीं करते, ठीक है, भाग ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका गुणा से ही बन के आया है। ठीक है, आपका फैक्टोरियल जो है गुणा से बन के आया है, तो आपका क्या है कि डबल रिपीट हो रहा है, तो उसको माइनस नहीं करना है, भाग करना है, भाग से कम होगा। ठीक है, गुणा का उल्टा होता है भाग। तो देखो यहाँ पे भाग से कम किए, यहाँ टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, यहाँ पे घटाए तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि गुणा का उल्टा होता है भाग। ठीक, अब देखो ये तो व्यवस्थित करते थे, लेकिन अभी का कंडीशन क्या दिखा है। देखो अभी का कंडीशन बोला है सभी स्वर एक साथ रहें। ठीक है, सभी स्वर एक साथ रहें, क्योंकि ये नॉर्मल में अगर ऐसे पूछता तो है ना, नॉर्मल जमाने बोलता तो इतना होता। अब देखो सभी स्वर को एक साथ रहने बोला है, देखो ओ ई एक साथ रह लिया, मतलब एक ही वर्ड काउंट करेंगे सबसे पहले उसको। ठीक है, मतलब जो डिब्बा बनेगा, अब जो डिब्बा बनेगा, एक दो तीन चार, चार का डिब्बा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिब्बा नहीं भी बना को चलेगा। ठीक है, इसको एक एक ही काउंट कर लेना है। ठीक है, मतलब एक ही वर्ड काउंट करना है। तो क्या है, जैसे कि सी इसमें भरा सकता है, मतलब अब देखो पहले डिब्बा में कितने प्रकार से आप भर सकते हैं। ठीक है, आपके पास कितने वर्ड हो गए, एक दो तीन चार। ठीक है, आपके पास चार क्या लेटर है। ठीक है, तो चार प्रकार से भर सकते हैं पहले डिब्बा में। दूसरे डिब्बा में कितना प्रकार से भर सकते हैं, दूसरे डिब्बे में आपका तीन प्रकार से भरा सकता है। ठीक है, क्योंकि एक भरा गया, बाकी तीन बच गया। अब देखो तीसरे डिब्बे में वैसे ही दो भरा गया, मतलब फर्स्ट सेकंड में, और थर्ड में मतलब अब क्या है, दो भरा गया, दो बच गया, तो यहाँ पे हो जाएगा दो और एक, मतलब कहने का मतलब चार का फैक्टोरियल हुआ। ठीक है, यहाँ पे छह का फैक्टोरियल होता था, वहां पे चार चीज हो गई, अब यहाँ पे क्या हो गया, चार का फैक्टोरियल हो गया, तो क्या हो जाएगा, चार मतलब ये चार का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, ये चार का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, जो भी आंसर आएगा देखेंगे। अभी इसको देखो, ये तो है अपना, ठीक है, ये कल किए थे। ठीक है, इसको मिटा, इसको कट दे रहा हूँ, ठीक, काट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कल किए थे ना इसको, तो मतलब अगर नॉर्मली पूछता तो ये, अब देखो स्वर एक साथ बोल रहा है, तो अब देखो इतना कर लिए, चार का फैक्टोरियल कर लिए। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात बन गई, लेकिन अब देखो आगे पीछे अगर कुछ कुछ होता है इसमें, कुछ चेंजेस, ठीक है, तो भी तो अपना क्वेश्चन क्या है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चार का फैक्टोरियल है, दो बार रिपीट कर रहे हैं यहाँ भी, एफ और ई दो बार रिपीट कर रहे हैं, तो चार के फैक्टोरियल को आप दो बार, मतलब फैक्टोरियल टू और फैक्टोरियल टू से भाग देंगे। जैसे यहाँ छह फैक्टोरियल था, छह छह शब्द आपका, छह लेटर थे, तो उसको वैसे ही भाग देते थे, यहाँ पे भी चार का, अब यहाँ के छह क्या आ जाएगा, चार आ गया। ठीक है, और दो दो फैक्टोरियल, ठीक है, इसमें चेंजेस क्या हो, छह के जगह चार आ गया, और कुछ चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। और देखो एक स्टेप, अब देखो OEE है, तो आपको क्या लगता है, OEE क्या ऐसे बना रहेगा, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, EOE ऐसे नहीं हो सकता क्या, ऐसे भी तो हो सकता है ना, और ऐसे भी तो हो सकता है, EEO ऐसे भी तो हो सकता है ना, मतलब ये ऐसे, मतलब आगे पीछे करके कितने बार मूव कर सकता है। ठीक है, जब तीन चीज है तो कितने बार मूव कर सकता है, तो तीन के फैक्टोरियल में मूव कर सकता है। ठीक है, तो मतलब ये जो होगा इस टाइप के जो बनेंगे, ठीक है, वो कितने बनेंगे, तीन के फैक्टोरियल में बनेंगे। ठीक है, वो आप आगे पीछे करके देख लेना, तीन का फैक्टोरियल ही आएगा। ठीक है, तो तीन का फैक्टोरियल आएगा, तो यहाँ पे तीन का फैक्टोरियल आप गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई
आपका जितना भी सेट हुआ है आपका, ठीक है, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल जितना भी आपका बन रहा है, जैसे कि आप 4 फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल लेंगे कितना होगा, 4 3 12 2 24, और नीचे 2 2 का फैक्टोरियल 2 बड़ा 2, कितना हो जाएगा आपका 4 से 6 बार, ठीक है। मतलब ये जो 6 सेट आपका बनेगा पहले का, उसमें 3 का फैक्टोरियल का गुणा क्यों किए, ठीक है, क्योंकि जो 6 सेट बनेगा ना उसमें देखो, जैसे कि कोई सेट बनता है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे कोई सेट बनता है आपका COFF, ठीक है, आप देखो OEE अगर लिए हो, ठीक है, अगर यही सेट वैसी वैसी क्या है आपका, कितना है सेट है इसको थोड़ा मिटा दे रहा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कितना सेट बताया था मैं, 6 सेट बनता है, ठीक है, 6 सेट बन रहा है आपका, ठीक है, इतने के हिसाब से। अब देखो 6 सेट बन रहा है, अब OEE वाला 6 सेट बन रहा है, ठीक है, उसके बाद देखो 6 सेट ऐसे भी बनेगा, EOE वाला, ठीक है, ये OEE वाला, EOE वाला 6 सेट बनेगा, उसके बाद देखो वैसे जो 6 सेट है आपका EEO वाला बनेगा, ठीक है, तो वैसे करते करते 6 6 6 6 करते कितने बार बनेगा, 3 के फैक्टोरियल बार, मतलब 6 बार, मतलब, तो देखो इसको गुणा करके देख लो आपका कितना आ रहा है, अब सॉल्व कर लेते हैं, आप तो समझ समझ गए होंगे, वही सेट बनते जाएगा, मतलब गुणा के फॉर्म में आएगा, ठीक है, 6 6 का जो है गुणा के फॉर्म में आएगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो 4 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, ये 6 तो मतलब आ भी चुका था, ठीक है, इस यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है क्या है निकाले थे, अभी 6 आ चुका था, और यहाँ पे गुणा 3 है, 3 का फैक्टोरियल भी कितना होता है, 6 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 6 कितना होता है, 36, 36 आपका क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो सर एक साथ रहेगा तो 36 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। नहीं आया समझ तो वीडियो दोबारा देखो, क्योंकि ये चीज आसान नहीं है, ठीक है, इसको समझाना भी बहुत कठिन है, मैथ्स वाले भी मतलब इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं, ठीक है, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करके जाते हो पेपर में, मतलब सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है, इतना आसान भी नहीं है, और अच्छे अच्छे मैथ्स जानने वाले ही इस टाइप के कर पाते हैं, तो इतना आसान भाषा में समझा दिया हूँ, और इससे मैं और नहीं ज़्यादा समझा सकता, ठीक है, तो आप लोग इसको, ठीक है, मतलब इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें, और इसको वीडियो को बार बार देखें, तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि आप कहीं भी उठा के देख लो या मतलब इतना आसानी से आपको ये चीज़ सीखने नहीं मिल पाएगा, मेरे को लगता है, क्योंकि मैं भी इधर उधर खोज के सीखा हुआ हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये तो हुआ, अब अगला क्वेश्चन पे करते हैं, देखो कभी कभी ये भी पूछता है कि सभी स्वर, मतलब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके पूछता है, इसी में देखो चेंज क्या करता है, सभी स्वर एक साथ रहें तो सभी स्वर एक साथ ना रहें ऐसे पूछता है, ठीक है, सभी स्वर एक साथ ना रहें, ठीक है, सभी स्वर एक साथ ना रहें, ये आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो देखो सबसे पहले जो टोटल जो क्रम व्यवस्थित होता है ना, उसमें आप अगर स्वर वाले को हटा देंगे तो नहीं वाले आपको निकल जाएगा, ठीक है, टोटल जो व्यवस्थित, ठीक है, टोटल क्रम कितना है, ठीक है, उसकी उसमें आप घटा दो स्वर क्रम, ठीक है, स्वर वाले क्रम, तो आपका निकल जाएगा, ठीक है, स्वर नहीं वाला क्रम, ठीक है, स्वर नहीं वाला, ठीक है, टोटल में आप घटा दो तो निकल जाएगा, तो देखो टोटल आपका अभी जो ये स्वर वाला जो क्रम अभी निकाले थे वो तो आपको निकालना ही पड़ेगा, वो कितना आया था आपका, 36 आया था, ठीक है, और टोटल क्रम कितना होगा ये देख लेते हैं, टोटल क्रम आप निकाल लेते हैं, ठीक है, वो तो बहुत आसानी से निकल जाता है, अब भाई कॉफी कितना है, 6 अक्षर है, ठीक है, कॉफी कितना अक्षर है, 6 अक्षर है, तो उसका 6 का फैक्टोरियल तो लेंगे ही लेंगे, और क्या है देखो COFFEE, ठीक है, यहाँ पे कितना अक्षर है, 6 का फैक्टोरियल करते ही करते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना जो है आपका रिपीट हो रहा है, जैसे दो एफ 2 बार रिपीट हो रहा है, ई 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो क्या है इसको भाग दे देते हैं उससे, मतलब 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल भाग दे देते हैं, ठीक है, तो इसका इवेल्यूशन करेंगे तो इतना आ रहा है आपका, देखो ये हो जाएगा 6 5 4 3 2 1, ठीक है, और 2 गुणा 2, 2 से भाग दे लो, 2 से 2 कट गया आपका, देखो 2 से 2 दूनी 4, 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 180, ठीक, 180 आ गए, तो 180 में आप 36 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 180 में 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 150, और ये हो जाएगा आपका 144, ठीक है, 144 हो गया, तो ये तो हो गया आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा।
अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये दो क्वेश्चन तो इस टाइप का हो गया, ठीक है। वह स्वर रहने वाला, स्वर नहीं रहने वाला। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा ही, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गया था। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे, देखो प्रैक्टिस को कितने प्रकार से लिख सकते हैं कि पी और ई का स्थान जो है परिवर्तित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस को लिखते हैं, देखो प्रैक्टिस पी और ई का स्थान परिवर्तित नहीं होना, मतलब पी और ई को आपको फिक्स कर देना, ठीक है। इसको फिक्स कर देना है आपको, और इसको भी फिक्स कर देना, ठीक है। ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ठीक है। आगे पीछे कुछ नहीं होगा, अपनी जगह में रहेगा। तो उससे हमको कोई मतलब, जहां पे फिक्स हो जाता है उससे हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। जहां पे चेंजेस आता है वही तो क्रम बनेगा, ठीक है। ये कुछ क्रम थोड़ी बनाएगा, ठीक है। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो हम देखो हम किससे मतलब है, बाकी जो शब्द है, ठीक है। बाकी जो लेटर है उससे मतलब, कितने लेटर है आपके पास, देखो 1 2 3 4 5 छह लेटर है। देखो छह लेटर कितने प्रकार जमा सकते हो, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। शुरुआत तो यहीं से करोगे ना, कोई भी जमाना है तो आपको 6 फैक्टोरियल, उसके बाद गुणा भाग जो करना है वो करोगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रिपीटेशन है कि नहीं है, स्वर एक साथ रहने बोल रहा है क्या, ये जो भी है उसको मतलब आप अलग से करोगे, ठीक है। 6 फैक्टोरियल तो नॉर्मली हो गई, ठीक है स्टार्टिंग। अब देखो आपका रिपीट कौन सा कर रहा है, देखो यहाँ पे सी यहाँ पे रिपीट कर रहा है, देख लो सी दो बार आया है, रिपीट कर रहा है दो बार है, दो बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब हमको क्या करना है, भाग लगाना है, ठीक है। हमारे पास ज्यादा हो रहा है उसको भाग लगाना है। तो भाग किससे लगाएंगे आप, 2 के फैक्टोरियल से। और कोई चीज है अगर रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, और कुछ ऐसा तो नहीं बोला है स्वर एक साथ रहे या कुछ हो, है ना, व्यंजन एक साथ, कुछ बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है आपको। तो नहीं बोल रहा है तो क्या करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो भाई 6 का फैक्टोरियल है, मतलब क्या है, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 गुणा 1, 2 से 2 कट जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, 30 चौक 120, 120 किया 360, ठीक है। 360 दो कट गए हैं, तो आ गया आपका 360, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन है, ओम के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करें कि सभी स्वर एक साथ ना आए, ठीक है। तो देखो जब भी ना ना आए वाला बोलेगा तो आपको क्या करना है, टोटल में स्वर आने वाले को हटा देना, ठीक है। तो स्वर, ठीक है, स्वर नहीं वाला, ठीक है। स्वर नहीं वाला आपको अगर निकालना है तो क्या करोगे आप, टोटल में, ठीक है, मतलब टोटल क्रम में क्या घटाएंगे, आपका स्वर वाला क्रम, ठीक है, स्वर वाले क्रम। तो देखो टोटल क्रम तो बहुत आसान होता है निकालना, क्योंकि देखो यहाँ पे होम है तो चार आपके, चार आपके लेटर हैं, ठीक। होम है तो कितने लेटर हैं आपके, चार लेटर हैं। अब जितना भी लेटर होता है उसका फैक्टोरियल हो जाता है, इतना तो कॉमन है, ठीक है। जितना भी रहता है उसका फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कोई रिपीट तो नहीं कर रहे हैं, देखो एच ओ एम ई अलग अलग अक्षर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 का फैक्टोरियल 4 ही रहेगा, मतलब टोटल हमारा 4 फैक्टोरियल ही रहेगा। अब देखो स्वर वाले कितने आ रहे हैं, स्वर वाले कितने आ रहे हैं, अब देखो स्वर है कितना इसमें, देखो स्वर वाले कितना है, तो मतलब स्वर कितना है वो भी देखना पड़ेगा। तो स्वर कितने, देखो ओ और ई क्या है यहाँ पे, स्वर है। ओ और ई क्या है यहाँ पे, स्वर है, ठीक है। 2 स्वर है तो कैसे अरेंज कर सकते हैं, मतलब एच एक अकेला लेटर हो जाएगा और एम एक अकेला लेटर हो जाएगा, उसके बाद ओ ई एक अकेला लेटर हो जाएगा, ठीक है। एक एक एक, तो कितने लेटर हो गए अपने पास, 3 लेटर हो गए। 3 लेटर हो गए तो इसको कितने प्रकार जमा सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, जितने लेटर होंगे उतने फैक्टोरियल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल से जमा सकते हैं इसको, ठीक। और इसमें क्या करना है, अब देखो अब बताऊं, अब मैं आपको बताया था आगे पीछे होता है ना, जैसे ओ ई है तो ई ओ भी तो हो सकता है ये, ठीक है, ये ई ओ भी हो सकता है। तो उसके साथ जितना भी जमते जाएगा वो मतलब उसे गुणे में आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ई ओ हो सकता है, मतलब दो दो ही बार हो सकता है ना, ओ ई हो सकता है या तो ई ओ हो सकता है। तो कितने से गुणा हो जाएगा इसका, 2 के फैक्टोरियल से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के फैक्टोरियल से गुणा हो जाएगा या 2 से भी गुणा हो जाएगा, एक ही मतलब है। लेकिन 3 रहता तब दिक्कत था, ठीक है। 3 में 3 का गुणा नहीं करते, 3 फैक्टोरियल का गुणा करते, क्योंकि मतलब 3 फैक्टोरियल 6 हो जाता है, ठीक है, वो 6 टाइप से हो जाता है वो, ठीक है। तो 2 के फैक्टोरियल में 2 से गुणा करो या 2 2 फैक्टोरियल से गुणा करो, एक ही मतलब हो, ठीक है, ऐसा समझ में आया। आप देखो अब निकाल लेते हैं, बहुत आसान हो गए।
चार का फैक्टोरियल मतलब कितना होगा आपका, देखो चार का फैक्टोरियल मतलब चार तीन दो एक, तीन का फैक्टोरियल मतलब तीन दो एक, दो का फैक्टोरियल मतलब दो गुणा एक, ठीक है। कितना होगा देखो, चार या 12 दूनी 24, ठीक है 24 हो जाएगा यहाँ पे, और वहां पे देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है कितना हो जाएगा 12। और देखो 24 माइनस 12 कितना होता है, 12। तो देखो ऐसे अगर स्वर एक साथ ना रहे तो ये 12 प्रकार से, ये जो होम का अक्षर है 12 प्रकार जम सकते, ठीक है ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है तो देखो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और जो है कल की वीडियो में जो बनाएंगे, ठीक है वो क्रमचय के जो है आपका संख्या वाले, ठीक है ये तो लेटर वाले हो गए, ठीक है लेटर वाला कंप्लीट हो गया, अब इसे कठिन क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है ये बहुत मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन करा दिया आपको आसान भाषा में, ठीक है। अब देखो अब जो है आपका संख्या वाले जो क्वेश्चन है वो करेंगे अपन, ठीक है उसके बाद आपका क्रमचय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि और जो क्वेश्चन है मतलब बाकी जो इसके क्रमचय के, देखो क्रमचय अच्छा कर लिए तो प्रायिकता आपका बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है तो प्रायिकता में क्रमचय का यूज होगा ही, तो वहां भी आप ठीक है इसका यूज करेंगे तो ये आपका दिमाग में और अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है अभी कम क्वेश्चन कर रहा हो, हर बुक में भी कोई क्वेश्चन उठा के देख लो आप, ठीक है आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा, इतना कॉन्सेप्ट है उसके लिए पर्याप्त है, ठीक है कठिन से कठिन क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, यही तो कठिन है, ठीक है। अब ठीक है आज के लिए इतना करते हैं, तो थैंक यू, और वीडियो पसंद आएगा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।